सो आज हमारे साथ है रेखा राघवन जी। रेखा राघवन जी होम शेफ है और इन्होंने ओनम सादिया, केरला इनकी स्पेशलिटी, केरला का खाना इनकी स्पेशलिटी है। और आज ली मेडियन में रेखा जी ने हम सबको केरला सादिया खाने के लिए भी बुलाया है। दो दिन का फेस्टिवल है ना रेखा जी? हाँ जी। कब है ये? 20 और 21 अगस्त। ओके, सो 20 और 21 अगस्त को दो दिन आप ली मेडियन गुड़गांव आके केरला सादिया का लुफ्त उठा सकते हैं। सो रेखा जी, आप कितने साल से कर रहे हैं ये होम शेफ का काम? 3 साल से करे। और आपकी स्पेशलिटी क्या है? केरला। ओह वाह, वो तो मैं समझ ही गई क्योंकि राघवन जी केरला से हैं। केरला एज वेल एज तमिलनाडु। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आज आप हमें क्या सिखाने वाले? मैं आज एक सादिया का एक मेन चीज है जिसको हम इंजी तैर बोलते हैं। इंजी तैर। तो हाँ, तो इंजी तो मेरे हिसाब से अदरक है और तैर का मतलब दही है। सो ये रायता होगा? हाँ जी। ओके, सो देखे ये एक इंटरेस्टिंग सा केरला क्यूजाइन का इंजी तैर। इंजी तैर। ओके जी, चलते हैं। सो इंजी तैर के लिए इंग्रेडिएंट्स? चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली, हरी मिर्च, होल रेड चिली, सूखी लाल मिर्च, प्याज, ये शैलेट्स है। हाँ, जो बारीक वाले साउथ इंडियन प्याज आते हैं। और करी लीव, कड़ी पत्ते। ओके, और जैसे मेरे पास मस्टर्ड सीड्स है। ओके, सरसों जिसे बोलते हैं। हाँ जी। ओके, और दही मैंने फेट किया। दही आपने फेट के रखा है। ओके, तो शुरू करते हैं। सिंपल रेसिपी है। और पहले मैं जरा सा ऑयल, साउथ इंडियन खाने की स्पेशलिटी ये है। कौन सा ऑयल है ये मैम? संतरा ऑयल। ओके, साउथ इंडियन फूड की स्पेशलिटी यही है कि हम ऑयल बहुत कम यूज करते हैं अपने खाने में। यस, तो मैंने अभी मस्टर्ड सीड्स डाले हैं। ओके, मस्टर्ड क्रैकल। ओके, अब हम मस्टर्ड यानी सरसों के फूटने का वेट करेंगे। हाँ जी। तो सरसों फूट गई है, अब इसमें सूखी लाल मिर्च डाल रहे हैं शेफ। अब जाएगा कड़ी पत्ता। हाँ जी। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये शैलेट्स, खूब सारी बारीक कटी हुई अदरक। अगर आप चाहो तो पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन कटा हुआ ज़रा अच्छा। एग्जैक्टली, जब वो बाइट आता है मुंह में तो अलग ही फ्लेवर आता है और मजा आता है। तो इसमें हमने हल्का सा क्रिस्पी करना है। ओके, सो दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करना है। ओके, बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। ओके, सो ये प्लेन दही को फेंटा हुआ है। हाँ जी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट लगा है, क्योंकि कम तेल यूज करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है जिंजर को पकाने में। हो गया है। ओके, मैं ये फ्लेम नहीं कर दिया बंद। हाँ, वाओ, इतना सिंपल है शेफ। बहुत सिंपल है। एंड खुशबू कितनी अच्छी आ रही है अदरक की इसमें। वाओ, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, और देख के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ओह, मेरे लिए टेस्टिंग आया है। राई का जो करारापन, क्रंच आपके मुंह में आता है, और अदरक के बारीक बारीक टुकड़े, बहुत ही फ्लेवरफुल है। डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच रेखा जी। एक सेकेंड के लिए मास्क हटा के दिखाएं हम अपने व्यूअर्स को रेखा जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल रेखा टुडे। थैंक यू। सो ये था हमारा आज का शेफ स्पेशल इंजी तैर, यानी अदरक की फ्लेवर वाला दही।